हमारा नबी सबसे बाला वाला, हमारा नबी सबसे बाला वाला, हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी दोनों आलम का दौला, हमारा नबी सुभान अल्लाह दोनों आलम का दौला, हमारा नबी खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, हमारा नबी और रसूलों से आला, हमारा नबी कौन दे देने को चाहिए, अरे कौन देता है देने को चाहिए, कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला सच्चा, देने वाला सच्चा, हमारा नबी सबसे आला वाला, हमारा नबी। आइए मोहब्बत से दुआ पेश करें, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु वसलाम अलैहि या अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए जमाने के बहुत मशहूर मारूफ कलाम बहुत तेजी के साथ आप तक पहुंच रहा है, एक बार कह दे सुभान अल्लाह, एक बार कह दे या रसूल अल्लाह। इज गहरा के बाबा सुने इल्तिजा, इज गहरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, कहीं मैं न जाए तुम्हारा गदा, कहीं मैं न जाए तुम्हारा गदा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, मोहब्बत कहते सुभान अल्लाह। और ये शेर आप तक पहुंच रहा हूँ, सताते हैं मुझको रुलाते हैं मुझको, सताते हैं मुझको रुलाते हैं मुझको, ये दुनिया बहुत आजमाती, ये दुनिया बहुत आजमाती है मुझको, वो दुनिया की बातों से टूटा हुआ, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। और ये शराब तो बचा रहा हूँ, ये एहसास, ये
एहसास है मुझको मैं हूँ कमीना, हुजूर आप चाहे तो आऊं मदीना, हुजूर आप चाहे तो आऊं मदीना, हुना हो के दल दल में हो फसा मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। माशाल्लाह बड़ी अच्छी नाते पाक हम लोग सुन रहे थे। हमारे शायरों से गुजारिश है, चूंकि 9:30 बज गए हैं, 10:30 11 तक प्रोग्राम खत्म होना है, इसलिए सिर्फ 2-4 शेर ही पढ़िएगा। अब नाते नबी पढ़ने के लिए जनाब मौलाना कारी रूल अमीन साहब माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। सिर्फ 1:15 का टाइम है, सबका ख्याल रखा जाए। सुबह में आओ स्टेज पर बैठे पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत हुजूर सैयदी सरकार शमसुल्लाह जान फरमारो बाबू हुजूर और तमामी सामईन अस्सलामु अलैकुम व अलैकुम सलाम। नातिया काम सुनने नातिया कलाम सुनने और सुनाने से पहले हमरा अपील कर बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम का नजराना अकीदतों और मोहब्बतों के साथ पेश करें और झूम कर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूदों की डाली निशावर करें। पढ़िए बाउज़ बन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफियाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि। आप लोगों से गुजारिश है कि तेल पानी वालों को आने मत दीजिए, सुबह होगा, मिला शरीफ का प्रोग्राम खराब हो रहा है। बोला लो फिर मुझे ऐसा है बरोबर मदीने में, बोला लो फिर मुझे ऐसा है बहरो मदीने में के बुला लो फिर मुझे शाह पहरों पर मदीने में, मदीने में मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर, रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में, के मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्ला, मदीने जाने वालों जाओ जाओ बिस्तर मदीने में, कभी तो अपना भी लग बिस्तर मदीने में। और या आखिरी शेर समाज फरमाया के सुना है माँ के कदमों के तले के खास जन्नत है, जन्नत है मगर वो जन्नत अर्जी भी आका की बदौलत है, बोला लो फिर मुझे ऐसा। अब मैं बिला ताखीर एक पुरमग्ज खिताब के लिए
حضرت علامہ مفتی فیروز عالم مصباحی کو دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور وقت کا خیال کرتے ہوئے مدلل خطاب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام, پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ, عزیز بچوں, اسٹیج پر رونق افروز باوقار علماء کرام, ذوی الاحترام, بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت غواث بحر معرفت حضور سیدی سرکار بابو حضور مد ذلہ العالی والنورانی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدہ نصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, صدق اللہ مولانا العظیم, بلغنا رسوله النبي الامين المتين المبين الكريم, ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين, والحمد لله رب العالمين. آئیے بارگاہ رسالت میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لگتا نہیں جی میرا اجڑے دیار میں, کس کی بنی ہے اس عالم نا پائے دار میں, ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں, اتنی جگہ کہاں دل داغدار میں. عمر دراز مانگ کر لائے تھے چار دن, عمر دراز مانگ کر لائے تھے چار دن, دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں. اور کتنا بد نصیب تھا ظفر, دفن کے لیے دو گز زمین نہ مل سکی کوئے یار میں. حضرات محترم, یہ کوئی جلسہ یا کانفرنس کی محفل نہیں ہے, میلاد پاک کی نورانی مجلس ہے, کھانے کا بھی معقول انتظام ہے. میرے بعد ہماری جماعت کے ایک عظیم قداور شخصیت اور خطیب حضرت علامہ مفتی محفل اشرف صاحب قبلہ برکاتی بھی موجود ہیں, اس لیے میں صرف تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں. چوسیا والے جمعہ کے دن میری تقریر سنتے رہتے ہیں, آج بابو حضور کی موجودگی میں آپ دو چار باتیں سماعت کریں, اور بہتر بلکہ ضروری یہ ہے کہ سننے سے زیادہ عمل کا جذبہ ہم اپنے اندر پیدا اور بیدار کریں. تقریریں ہم تقریباً روز سنتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں, لیکن عمل سے ہم کوسوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. بغیر عمل کے آج جو حالات اور نتائج ہم کو بھگتنے پڑ رہے ہیں, یہ ہماری بد اعمالیوں اور بد کرداریوں کی سزا ہے. یقیناً ہمارے پاس سب کچھ ہے, کائنات کا سب سے اچھا مذہب ہمارے پاس ہے, کائنات کی سب سے اچھی کتاب ہمارے پاس ہے, کائنات کا سب سے عظیم رہبر و ہادی و رہنما ہمارے پاس ہے, لیکن اس کے باوجود کائنات میں سب سے برا حال ہمارا ہے, سب سے ابتر اور سب سے خستہ حالی کی زندگی مسلمان گزار رہے ہیں. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے عمل کی دنیا کو ترک کر کے صرف ہم نے بات گفتگو اور دکھاوا ہم نے اپنی زندگی میں اپنا رکھا ہے. حضرات محترم, یقیناً اگر ہمارے اندر خلوص پیدا نہ ہو,
हमारे आमाल अच्छे ना हो, हमारे किरदार अच्छा ना हो, सिर्फ गुफ्तार से हालात नहीं बदलेंगे, सिर्फ नारों से इनकलाब नहीं आएगा। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि जबान ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, जबान ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हमें जबान के साथ अपने दिल, अपनी निगाहों, अपने पूरे वजूद को मुसलमान बनाने की ज़रूरत है। हमारी जबान में कलमा तो है, लेकिन साहेब शरीयत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर हमारा अमल नहीं है। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उनकी सीरत हमारी ज़िंदगी में नहीं है। एक अंग्रेज़ मुफक्किर ने कहा था, किसी आलिम ने उनसे कहा इस्लाम की तबलीग उसके सामने की, तो उसका जुमला ये था कि तुम अपनी जबान से इस्लाम हमें मत समझाओ, अपने किरदार से इस्लाम समझाने की कोशिश करो। हजरत मोहतरम डॉक्टर इकबाल ने कहा था, बड़ी अच्छी बात कही थी, कहा पत्थर के मिंबरों मेहराब पर चढ़कर दीन की बातें कहने वाला तो मैंने बहुत देखा, लेकिन नेजे पे कटा हुआ सर से दीन की बातें कहने वाला वो फातिमा के लाल को देखा। हजरत मोहतरम यकीनन जबान से कह लेना, जबान से इकरार कर लेना, जबान से सिर्फ नारा लगा देना, जबान से सिर्फ बुजुर्गों की अकीदत का इजहार कर देना, ये सिर्फ काफी नहीं है। जिस बुजुर्ग से आपका ताल्लुक है, आप उस बुजुर्ग की जिंदगी, उनकी सीरत, उनके किरदार, उनके जिंदगी गुजारने के तरीके को अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए, उसके बाद समाज और मुआशरे में इनकलाब आएगा। चूंकि वक्त बहुत कम है, इसी कम वक्त में मैं आपको बताऊं कि हमें आज दुनिया, वही दुनिया जो मुसलमानों को देखकर कलमा पढ़ लिया करती थी, जो मुसलमानों को चलता फिरता देखकर, मुसलमानों को खाता पीता देखकर, मुसलमानों के किरदार, मुसलमानों के गुफ्तार, मुसलमानों की जिंदगी गुजारने के तरीकों को देखकर मुतासिर होकर कलमा पढ़ती हुई नजर आती थी, आज वही दुनिया मुसलमानों से नफरत करती नजर आती है। आज उसी दुनिया का कहना है कि इस्लाम तो अच्छा मजहब है, कुरान तो बहुत अच्छी किताब है, लेकिन मुसलमान अच्छे नहीं है, मुसलमानों का किरदार चूंकि अच्छा नहीं, हमारा कौल कुछ है, हमारा किरदार कुछ है, हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, हमारी नियतों में इखलास नहीं है। इसीलिए आज हमारी ये हालत है कि दुनिया हमें, आज दुनिया हमें बहुत ही अलग नजरिए से देखती हुई नजर आती है। आज दुनिया हमें मिटाने और बर्बाद करने के लिए तरह तरह के प्लान बनाती हुई नजर आती है, और हम हैं कि सुबह उठे, शाम को अपने मामूलाते जिंदगी गुजारते हुए सो गए। हमें इस बात की फिक्र नहीं है कि इस्लाम हमसे क्या तकाजा करता है, हमें इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि हम पैगंबर इस्लाम की सीरत के मुताबिक जिंदगी कैसे गुजारें। हजरत मोहतरम मैं आपको बताऊं, किसी कहने वाले ने कहा है और हिंदुस्तान की तारीख का एक छोटा सा बाब आपके सामने रखो, कि जब इस हिंदुस्तान पे अंग्रेजों की हुकूमत थी, जब इस हिंदुस्तान पे फिरंगियों की हुकूमत थी, जब इस हिंदुस्तान पर उन अंग्रेजों की हुकूमत का सिक्का चलने लगा। हजरत मोहतरम आप लोगों को मना किया जा रहा है, मेहरबानी करके मिला तो होने दीजिए। देखिए सरकार बाबू हुजूर यहाँ कयाम फरमाएंगे, इंशाल्लाह दम किया जाएगा, और आप लोग इत्मीनान से बाद में सुबह को तेल वगैरह जो भी आपकी मुराद है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, वो आप सुबह को उसकी तकमील कीजिएगा। इस वक्त चूंकि वक्त कम है, बस मैं आखिरी बात और शुरू और आखिरी जो भी कह लीजिए मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हजरत मोहतरम
यकीनन इस हिंदुस्तान पर जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, इस हिंदुस्तान को जब अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले रखा था, उस वक्त यूपी का एक शहर सहारनपुर, जिसका नाम है, आपने नाम सुना होगा, बहुत मशहूर शहर है सहारनपुर, वहां के एक देहात के एक गांव के एक मस्जिद का झगड़ा अंग्रेज जज की अदालत में पहुंचा, अंग्रेज की अदालत में पहुंचा, उस अदालत का जज अंग्रेज था, उसका हाकिम और फैसला करने वाला वो अंग्रेज जज का दरबार लगा है, अदालत की कार्रवाई चल रही है और दो लोग पहुंचे हैं, दो ग्रुप वाले पहुंचे हैं। हजरत मोहतरम, एक मस्जिद का मसला है, अंग्रेज जज है, अदालत लगी हुई है, बहस करने वाले अपनी जगह पर है, सुनने वालों से अदालत का कमरा भरा पड़ा है, इसलिए कि हिंदू और मुस्लिम का मसला है, मस्जिद और मंदिर का मसला है, मस्जिद का मसला अंग्रेज की अदालत में अंग्रेज जज के सामने रखा गया। अल्लाहू अकबर, यानी गैर मुस्लिमों का, हिंदुओं का ये कहना था, उनका ये कहना था कि ऐ अंग्रेज जज, इन मुसलमानों ने हमारी जगह पे कब्जा करके मस्जिद बना लिया है। हजरत मोहतरम, चूंकि उस गांव में मुस्लिम अक्सरियत थी, मुसलमानों की ज्यादती थी, मुसलमान कसीर तादाद में थे, अकलियत में गैर मुस्लिम थे, अक्सरियत में मुसलमान थे, हिंदुओं का कहना था कि हमारी जमीन पे मुसलमानों ने कब्जा करके मस्जिद बनाया है। अल्लाह अल्लाह, अंग्रेज जज ने कहा कि तुम्हारे पास कोई सबूत है तो पेश करो, कोई गवाह है तो पेश करो, जो ये कह सके कि मुसलमानों ने तुम्हारी जमीन पे जबरदस्ती कब्जा करके मस्जिद बनाया है। अल्लाहु अकबर, चूंकि मुसलमानों की कसरत थी, गैर मुस्लिमों की किल्लत थी, चंद गैर मुस्लिम थे और ज्यादातर मुसलमान थे। अल्लाह अल्लाह, उन गैर मुस्लिमों ने उस अंग्रेज जज से कहा, हमारे पास गवाह तो है लेकिन वो हमारा आदमी नहीं है, बल्कि मुसलमानों का एक आलिम हमारा गवाह है। अल्लाह अल्लाह, उस आलिम का नाम मौलाना अबुल हसन था। कहा, ये मौलाना हमारे गांव का है, इससे आप पूछ लीजिए, हमारा अकीदा है कि मौलाना झूठ नहीं बोलेगा। अल्लाह अल्लाह, गैर मुस्लिमों ने अपने गवाह के तौर पर एक मुसलमान को पेश कर दिया। अल्लाहु अकबर, मुसलमान आलिम दीन मौलाना अब्दुस सुबहान, जब आप जब पहुंचते हैं कटघरे में, जज ने पूछा कि मौलाना साहब, ये गैर मुस्लिम आपके गांव के आपको अपनी तरफ से गवाह बनाकर पेश किया है कि आप गवाही देंगे, आप जो बोलेंगे सच बोलेंगे, आपको अपनी कौम के खिलाफ गवाही देनी है, आपको मुसलमानों के खिलाफ गवाही देनी है, और ये भी याद रखिएगा कि आपको इसी समाज, इसी मुआशरा और मुसलमानों ही में रहना है, इसी गांव में रहना है। गैर मुस्लिमों का कहना है, आपके गांव का मुसलमान उनकी जमीन पे जबरदस्ती कब्जा करके मंद मस्जिद बना लिया है, आप बोलिए क्या हक है, क्या सही है। वो मौलाना ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, आलिम हूँ, मेरे गांव के लोगों ने मस्जिद बनाया है, लेकिन ये हकीकत है कि जमीन गैर मुस्लिमों की है, जमीन हिंदुओं की है, मुसलमानों ने जबरदस्ती कब्जा करके मस्जिद बनाया है। अल्लाहु अकबर, अंग्रेज जज के सामने एक आलिम उसी गांव का, अपनी कौम, अपने मजहब के खिलाफ अदालत में गवाही पेश कर रहा है। मुसलमान जो वहां मौजूद थे, ऐसा लग रहा था कि उस आलिम को अभी काट कर फेंक देंगे, खूंखार नजरों से देख रहा था, बड़ी बुरा बवाल, इधर उधर की बातें, यहां तक के गाली गलौज करना शुरू कर दिया कि तू कैसा आलिम है, आलिम होकर अपने मुसलमानों के खिलाफ तुम गवाही दे रहे हो, गैर मुस्लिमों के हक में गवाही दे रहे हो। अल्लाहू अकबर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अंग्रेज जज ने जब ये सुना तो कहा, ऐ लोगों कान खोल कर सुन लो, आज इस अदालत में इस आलिम की गवाही की वजह से मुसलमान तो हार गए लेकिन इस्लाम जीत गया है। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप अंदाजा लगाइए, वो पढ़ा लिखा आदमी था, ऐसे ही जज नहीं बन गया था। वो कहा, मुसलमान तो हार गया है लेकिन इस्लाम जीत गया है। अल्लाह अल्लाह, जब गांव के चंद गए
غیر مسلموں نے دیکھا کہ ایک مسلمان عالم ہو کر اپنی قوم کے خلاف ہمارے حق میں گواہی دیا ہے تو بے ساختہ پورے گاؤں کے غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ کر سب مسلمان ہو جاتے ہیں, یہ ہے اسلام. حضرات محترم, یقیناً اگرچہ آج ہمارا کردار غلط ہے لیکن اسلام بہت عظیم ہے, اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اسلام کو بدنام نہ ہونے دیں, اپنے کردار سے اسلام کو رسوا نہ ہونے دیں, اپنے کردار کی وجہ سے کسی کو اسلام پر انگلی اٹھانے کی ہم اجازت نہ دیں. ہمارا کردار اچھا ہوگا, ہمارا گفتار اچھا ہوگا, ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ نبی کی سنتوں کے مطابق ہوگا, وہ کسی کو اسلام پر انگلی اٹھانے کی ہمت نہیں ہوگی. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں آج ہم دنیا والوں سے تو ڈرتے ہیں, آج ہم سماج سے تو ڈرتے ہیں, لیکن جن سے ڈرنا چاہیے, اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے. ایک بند کمرے میں ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی کو آپ اندر بدال کر دروازہ بند کر دیجئے اور کہیے کہ یہاں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہے, اللہ اللہ, اور تم اس کے بعد اگر کوئی اگر واقعتاً اس کے پاس عقل ہے تو کوئی اس کیمرے کے سامنے کوئی غلط حرکت کرنے کی ہمت نہیں کرے گا, اس لیے کہ انہیں یہ ڈر ہے کہ ہماری کوئی بھی غلط حرکت اس کیمرے میں نوٹ ہو رہی ہے, جو پبلک ہو سکتی ہے, جس کی شہرت ہو سکتی ہے, سماج اور معاشرہ اور گاؤں میں ہماری بدنامی ہو سکتی ہے. اے مسلمانوں, ایک چھوٹی سی مشین کے خوف سے ہم گناہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے چند لوگوں کے درمیان عزت بچانے کے لیے ہم گناہ سے رک جاتے ہیں, غلط کام سے رک جاتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہر وقت اللہ کے دو فرشتے ہمارے بازوؤں پہ ہمارے کرتوت لکھنے کے لیے تیار ہے. اللہ اکبر, ایک چھوٹی سی مشین جو خراب ہو سکتی ہے, ایک مشین کی ریکارڈنگ کچھ لوگوں تک پھیل کر آپ کی عزت و وقار کو برباد کر سکتی ہے, اس سے ڈر کر آپ تو گناہ سے بچ رہے ہو, لیکن اللہ رب العزت کے وہ فرشتے جو ہر وقت آپ کو آپ کے اعمال کو دیکھتے ہیں, اور یہ صرف سماج میں نہیں بلکہ یہ گناہ کل میدان محشر میں سارے لوگوں کے سامنے, انبیاء رسولوں کے سامنے, ساری امت کے سامنے, خدا کے سامنے جب فرشتے ہماری کرتوت نکالیں گے تو اس وقت ہماری عزت کا کیا ہوگا. اس لیے کیمرہ سے ڈرنے والوں حقیقت میں اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کیجئے تو انشاءاللہ ہم سے گناہ کا صدور نہیں ہوگا, ہم گناہوں سے دور رہتے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اپنا خوف مسلمانوں کے دلوں میں عطا فرمائے اور ہمیں نبی کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, ہمارے شاعر اسلام جناب قاری شاہد قمر, چند شعر پڑھیے, زیادہ نہیں. بواکار علماء کرام, جملہ سامعین, سامان, سرکار بابو حضور, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درش پر اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مطلع ملاحظہ فرما لے. حشر کے دن, حشر کے دن, حشر کے دن ہمارا کیا ہوگا, حشر کے دن ہمارا کیا ہوگا, حشر کے دن, حشر کے دن ہمارا کیا ہوگا,
हश्र के दिन हमारा क्या होगा, वो जो चाहेंगे फैसला होगा, वो जो चाहेंगे फैसला होगा। हश्र के दिन जाने उस दिन का हाल क्या होगा, जाने उस दिन का हाल क्या होगा, जाने उस दिन का हाल क्या होगा। जाना जब शहे जब शहरे मुस्तफा होगा, जाना जब शहरे मुस्तफा होगा। हश्र के दिन और मेरी मरकत में जब वो आएंगे, मेरी मरकत जब वो आएंगे, एक लम्हे में फैसला होगा, एक लम्हे में फैसला होगा। हश्र के दिन, हश्र के दिन हमारा क्या होगा, हश्र के दिन। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالوالدين إحسانا، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين। मोहतरम बुजुर्गों, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, बड़ी अच्छी अच्छी नातें और बड़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें आप हजरात सुन रहे हैं। हमारे स्टेज पर हमारी जमात अहले सुन्नत के एक से बढ़कर एक आलिम दीन मौजूद हैं, मगर वक्त का तकाजा यह है कि टाइम पे खत्म कर दिया जाए, क्योंकि लोग दूर दराज से तशरीफ लाए हैं। एक बार हम और आप दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, ये हमारे मोहसिन भाई अपने वालिद के इसाले सवाब की गरज से और बाबू हुजूर ने दावत कबूल फरमा लिया है, इस खुशी में शुक्राने के तौर पर ये मिला शरीफ का प्रोग्राम रखा गया है।
مقصد کیا ہے کہ اولاد رسول کی زبان سے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کروانا قرآن عظیم میں اور احادیث مبارکہ میں ماں باپ کے تعلق سے مختلف مقامات پر مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, ماں باپ کے ساتھ آواز سے جھڑک کر ڈانٹ کر بات نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہی ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں. جنت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ راضی ہیں تو اللہ بھی راضی, اللہ کا رسول بھی راضی, تو اس کے لیے جنت. اور اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض اور اللہ کے رسول بھی ناراض, تو ان کے لیے جہنم. اب اس مختصر سے وقت میں میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے بیچ میں کہ ماں اور باپ عزت, تعظیم, توقیر دونوں, لیکن حق زیادہ کس کا ہے, ماں کا یا باپ؟ تو صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث سنیے اور خود فیصلہ کیجیے کہ حق زیادہ کس کا. میرے نبی کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور آنے کے بعد انہوں نے یہ سوال عرض کیا, پہلے حدیث سن لیجیے, انہوں نے یہ عرض کیا, یا رسول اللہ من احق بے حسن صحبتی؟ قال امک. قال ثم من؟ قال امک. قال ثم من؟ قال امک. قال ثم من؟ قال ابوک. کہہ دیجیے سبحان اللہ, زور سے بولیے نا سبحان اللہ. اس حدیث کا اردو میں خلاصہ کیا ہوگا؟ آنے والے نے ہمارے نبی سے, پیغمبر سے یہ پوچھا, یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا, نیک برتاؤ کا, اچھے برتاؤ کا زیادہ حقدار کون؟ تو نبی نے فرمایا اس کا زیادہ حقدار تمہاری ماں. انہوں نے دوبارہ سوال کیا ثم من, اس کے بعد نبی نے دوبارہ پھر یہی فرمایا اموں کا, تمہاری ماں. انہوں نے تیسری بار سوال کیا یا رسول اللہ ثم من, پھر کون؟ نبی نے تیسری بار بھی فرمایا اموں کا, تمہاری ماں. انہوں نے چوتھی بار سوال کیا یا رسول اللہ ثم من, پھر کون؟ تو چوتھے نمبر میں نبی نے فرمایا ابو کا, اب اس کا حقدار تمہارا باپ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ باپ سے بھی ماں کا حق تین گنا زیادہ ہے. اب ایک مسئلہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ہوں یا آپ, اگر نماز کی حالت میں ہے اور ماں کو یا باپ کو پتا نہیں کہ میرا بیٹا یا بیٹی نماز میں ہے اور وہ بلائے آواز, اب تو نماز کی حالت میں اب کیا کیا؟ تو حکم یہ ہے کہ ماں باپ کی پکار پر نماز توڑ دے,
माँ बाप के पास हाजिर हो, इतना बड़ा मकाम। और फिर माँ बाप का जो हुक्म हो उसको बजा लाकर फिर यहाँ आकर के दोबारा नमाज पढ़। एक मसला और, अगर किसी उम्मती को ऐन हालत नमाज में नबी ने पुकार दिया, आवाज दे दिया, अब मसला यह है कि वो उम्मती नमाज छोड़कर नबी के पास हाजिर हो, उनसे बातचीत करे, जो वो हुक्म दें उस पर अमल करे, और नमाज जब माँ बाप ने पुकारा था तो अब दोबारा नमाज फिर से पढ़ना होगा, और नबी ने पुकारा उनके ऊपर काम काज भी कर दिए। शरीयत का मसला यह है कि अब तुम्हें नमाज को दोबारा पलटाने की जरूरत नहीं, जितनी पढ़ चुके हो वो हो गई है, जो बाकी है उसको पूरा करो। हजरत मोहतरम, बात बड़ी लंबी हो जाएगी, मुख्तसर में अर्ज करूं तो हमारे मोहसिन भाई अपने वालिद के इसाले सवाब की नियत से, वालिद वालदा दोनों इसाले सवाब के लिए सरकार बाबू हुजूर को दावत देकर बुलाए हैं, और सरकार बाबू हुजूर की मोहब्बत में दीवानों का ये मेला लगा हुआ। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और ये सुन लीजिए कि माँ बाप के लिए दुआ करवाना ये सहाबाए किराम की सुन्नत है। एक सहाबी रसूल मस्जिद नबवी इस नियत और इस इरादे के साथ गए कि मगरिब की नमाज से जब फारिग हो जाएंगे मेरे मुस्तफा, तो बारगाहे रसालत में अर्ज करूंगा या रसूल अल्लाह मेरी माँ की मगफिरत बख्शिश के लिए दुआ फरमा। लेकिन मेरे आका मगरिब की नमाज के बाद मस्जिद में ही नफल पढ़ने लगे, नफल पर नफल, नफल पर नफल के इंतजार में, और फिर मेरे नबी मस्जिद से निकलकर अपने हुजरे में चले गए, इनको बात करने का मौका ही नहीं मिला। मगर दिल में ये तमन्ना कि सरकार से बात हो जाती तो मैं माँ की मगफिरत के लिए अर्ज करता। वो गायब था नबी, कुछ देर बाद अपने हुजरे से जब बाहर तशरीफ लाए और अपने उस आशिक को उस दीवाने को देखा तो अभी ये कुछ कहने न पाए थे, उनसे पहले ही मेरे नबी ने फरमाया ए मेरे प्यारे साहबी जा, अल्लाह तेरी भी मगफिरत कर दे और तेरी माँ की भी मगफिरत कर दे। हजरत मोहतरम, अब आइए कुछ कीमती जुमले कुरान हदीस की रोशनी में, बस 5-7 मिनट और सुन लीजिए। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या नबी अल्लाह। हजरात एक बात, हम लोग अपने मुर्दों के लिए 3 दिन बाद की जाए, 10 दिन बाद 10वां, 20 दिन बाद 20वां, 30 दिन का रवाज हमारे बिहार और बंगाल में खत्म है, यूपी में है 30वां, उसके बाद 40वां, फिर फुर्सत। याद आया तो 6 महीने बाद, अरे तो साल बाद। तो ये जो हम लोग करते हैं अपने मुर्दों के लिए, क्या इससे हमारे मुर्दे को फायदा और बेनिफिट होता है? बलफ़्ज़े दिगर इसका सबूत कुरान और हदीस में है। अगर कुरान और हदीस में इसका सबूत है इससे मुर्दे को फायदा मिलता है तो यकीनन ये करना चाहिए, और अगर फायदा वायदा कुछ नहीं है
ये फजूल है, बकवास है ना। तो इसका सबूत कुरान में भी है और हदीस में भी। कुरान का 13वां पारा सूरह इब्राहिम आयत नंबर 10, रब इरशाद फरमाता है कि मेरे बंदो जब मेरी बारगाह में दुआ मांगो इस तरह से मांगो, इस तरह से रब्बना गफिरली वले वाले दैया वलिल मुमिनीना यौमा यकूमुल हिसाब। क्या माना हुआ इसका? रब्बना ऐ हमारा रब इग़फिरली जे बख्श दे वले वाले दैया मेरे वालदैन माँ बाप माता पिता मादर एंड फादर उनको बख्श दे वलिल मुमिनीन और तमाम ईमान वाले यानी मुसलमानों को बख्श दे यौमा यकूमुल हिसाब जिस दिन की हिसाब किताब हो। तो कुरान की ये आयत बता रही है कि माँ बाप चाहे हयात से हो चाहे पर्दा कर गया औलाद उनके लिए दुआ करे ये बेकार नहीं जाता बल्कि उनकी दुआ माँ बाप के हक में कबूल होती है। सुनन अबू दाऊद शरीफ की मशहूर हदीस, एक सहाबी रसूल उनकी माँ का इंतकाल हुआ, जिस सहाबी रसूल का नाम था हजरत साद सीन ऐन दाल, बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हुआ है, कोई अमल कोई तरीका कोई वजीफा बताइए कि मैं यहाँ करूँ मेरी माँ को कब्र में फायदा मिले। तो मेरे नबी ने फरमाया साद पानी का इंतजाम करो, कुएं का इंतजाम करो, क्योंकि उस वक्त मदीने में मुसलमानों को पानी की बड़ी तकलीफ थी। हमारे यहाँ की तरह नहीं कि 8-10 हाथ खोदिए जमीन से पानी निकलना शुरू, वो पथरीली और पहाड़ी इलाका कुआं खोद कर पानी निकलना बड़ा मुश्किल काम था, इसलिए नबी ने फरमाया पानी का इंतजाम करो, उन्होंने कुआं का इंतजाम किया। अब वो इंतजाम चाहे खरीद के हो या खोद कर, बहरहाल कुएं का इंतजाम किया और नबी की बारगाह में हाजिर हो गए, या रसूल अल्लाह मैंने कुएं का पानी का इंतजाम कर लिया है। तो मेरे आका खुद उस पानी के पास तशरीफ ले और फरमाया आज ही ले उम्मे सादिन, यानी ये कुएं का पानी साद की माँ के इसाले सवाब के लिए है। मतलब ये है कि मुसलमान इस कुएं का पानी पीते रहेंगे और साद की माँ को इसका सवाब मिलता रहेगा। तो इसाले सवाब का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मिलाद और जलसा ही से सवाब मिलता, इसमें भी मिलता। अगर कोई माँ बाप की नीयत से 10 कुरान ले जाकर मदरसे में दे दे, बच्चे पढ़ेंगे माँ बाप को सवाब मिलता रहे, मस्जिद में 10-20 कुरान ले जाके दे दे नमाजी पढ़ेंगे माँ बाप को सवाब मिलता रहेगा। और आखिरी बात हदीस में है कि मरने के बाद नेकियों का दरवाजा बंद, ना वो जलसे में आ सकता है ना जुमे में जा सकता है, नेकी का दरवाजा बंद, लेकिन 3 दरवाजा कयामत तक खुला रहता है। मैंने एक दिन गौर किया जब दरवाजा बंद हुई 3 दरवाजा खुला कैसे, मेरी नजर पड़ी गेट पर, बड़ा वाला गेट होता है उसके अंदर एक छोटा गेट बनाया जाता है बच्चों का, पूरा गेट तो बंद है गाड़ी उड़ी आ नहीं सकती, छोटा सा गेट खुला है कि आदमी झुक कर ये छोटा बच्चा इधर से उधर जा सकता, ऐसे मेन गेट सब बंद हो चुका है लेकिन छोटा छोटा गेट सब खुला। उनमें से एक गेट है वलदिन सवाले, मरने वाला मरा नेक औलाद छोड़ के गया। नेक औलाद कौन? जो लॉटरी का टिकट काटे वो, जो शराब पिए वो, जो सूद खाए वो,
दूसरे की जमीन हड़प कर जाए वो, तो कर्जा लेके अदा न करे वो, तो भाई की जमीन पैमाने कर ले वो, नहीं। नेक औलाद जो शरीयत पर अमल करे, नेक औलाद जो नमाज की पाबंदी करे, नेक औलाद जो शराब से दूर रहे, नेक औलाद जो लॉटरी के टिकट से दूर रहे, नेक औलाद जो ठगबाजी से दूर रहे। हमारे उलमा ने यहाँ तक फरमाया कि अगर नेक औलाद है तो हाथ उठाकर दुआ ना भी मांगे, सिर्फ पांचों टाइम नमाज की पाबंदी करे, तो डेली दिन में पांच बार उसके माँ बाप को इसाले सवाब होता रहेगा। आप कहेंगे कैसे, एक मिनट की तकरीब में खत्म कर रहा हूँ। नमाज के लिए हम खड़े हुए, सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ लिए, अलहम्दो पढ़ लिए, कुलहु अल्लाहु अहद लोजो बेबिनत जो पढ़ना पढ़ लिए, इस तरह से दो रकात या चार रकात कंप्लीट, लास्ट में बैठ के क्या किए, अत्तहियात पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े, दुरूद इब्राहिम, उसके बाद क्या पढ़ते, दुआए मासूरा, यही इसाले सवाब। क्या अल्लाह मग़फ़िर ली बोले वाले दैया बोले मन तवालदा, ये अल्लाह मग़फ़िर ली बोले वाले दैया, ये क्या यही इसाले सवाब, ये अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे माँ बाप को भी बख्श दे, चाहे वो बेटा या बेटी हाथ उठा कर दुआ करे ना करे, अगर पाबंदी से पांच टाइम नमाज पढ़े तो माँ बाप को इसाले सवाब होता रहेगा। हज़रते मोहतरम, हमारा आपका बेटा जैसा भी हो, मगर सरकार हुजूर आली ने बाबू हुजूर जैसा बेटा जन्म दिया है, 2400 घंटा नमाज की पाबंदी होती रहती है, और हुजूर आली को और बाबू हुजूर के वालदा को ईसा ले सवाब भी होता रहता है। तो नेक औलाद, बस यहीं पर अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ, और आप लोग तैयार हो जाइए बेदारी के साथ। सरकार बाबू हुजूर के कीमती जुमले जो दिल की तख्ती पे लिखने के काबिल, लेकिन आप ऐसे मत सुनिए लगता है कि तीन महीने से रोजा रख के मुंह में बोलिए नहीं, जोर से नारा लगाइए, नारे तकबीर, और जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार हुजूर आली, फैजाने सरकार बाबू हुजूर, फैजाने खानकाहे समरकंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أكثروا الذكر هازم اللذات
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا للموت سكرات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رأيت المنازل والقبر والقبر أفزع منهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم معزز اور محترم حاضرین قافل ابھی آپ حضرات نے حضرت علامہ و مولانا مفتی محفل اشرف صاحب کی زبانی قرآن و حدیث کی روشنی میں والدین کے عظمت کے تعلق سے بہترین خطاب سماعت کی ہے. اللہ جل شانہ آپ کو اور ہم کو ہر مسلمان کو والدین کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر کے قرآن حدیث میں جو والدین کی عظمت مذکور بیان کیا گیا ہے اللہ جل شانہ آپ کو اور ہم کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ محفل پاک جس میں آپ اور ہم حاضر ہیں یہ جناب محسن صاحب نے اپنے والدین جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں دنیا سے جا چکے ہیں مکان چھوڑ چکے ہیں اولاد چھوڑ چکے ہیں سم و زر چھوڑ چکے ہیں دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے دنیا سے خالی ہاتھ ہو کر کے چلے گئے. چاہے کتنا بڑا زمیندار ہو جائے دولت مند ہو جائے کرسی اقتدار کا مالک ہو جائے دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا اور دنیا سے خالی ہاتھ ہو کر کے جانا ہی پڑے. نہ تو مکان ساتھ میں جانے والا ہے نہ اولاد ساتھ میں جانے والا ہے نہ دنیا دولت ساتھ میں جانے والا ہے. جائے گا ساتھ میں کیا جائے گا؟ جس چیز سے مسلمان دور ہو چکا ہے جس چیز سے مسلمان غافل ہو چکا ہے جس چیز میں مسلمان کو شوق و جذبہ ہی نہیں. اگر دنیا میں آپ نے اس کو کیے ہوں گے وہی میدان وہی قبر میں بھی ساتھ میں جائے گا وہی میدان معاشر میں بھی ساتھ میں جائے گا اور صرف جائے گا ہی نہیں قبر کے اندھیرے سے بھی بچا دے گا قبر کے عذاب سے بھی بچا دے گا میدان معاشر کی گرمی سے بھی محفوظ فرما دے گا. اور وہ کیا چیز؟ وہ یہی نماز جس میں ہمارے مسلمان دور ہو چکا ہے نماز سے نماز سے غافل ہو چکا ہے نماز کا شوق و جذبہ مسلمان کے دل میں آئی ہے. موت ایسی حقیقت ہے کہ موت سے کسی کو انکار نہیں چاہے مسلمان ہو یہودی ہو نصرانی ہو مشرق ہو مغرب کا ہو مشرق کا ہو کسی بھی زبان کا ہو کسی بھی علاقے کا ہو مرد و عورت ہو تمام انسان اس بات پر متفق ہے کہ ایک نہ ایک موت کا سامنا کرنا ہی پڑے گا موت کا ذائقہ چکھنا ہی پڑے گا موت کا جھٹکا لگنا ہی پڑے گا تمام انسان اس پر متفق ہے. اللہ کی وحدانیت میں تو اختلاف ہے حضور کی رسالت میں اختلاف ہے
कुरान में तो इख्तिलाफ है, लेकिन मौत ऐसी हकीकत है कि मौत से किसी को इनकार नहीं, मौत पर तमाम इंसान मुत्तफिक है कि एक न एक मौत का सामना करना ही पड़ेगा, मौत का जायका चखना ही पड़ेगा। अल्लाह जल्ल शानहु ने इस आयत मुबारक का जिसको मैंने तिलावत की है, इस मुख्तसर आयत मुबारक में अल्लाह जल्ल शानहु ने मौत का भी जिक्र किया है और मौत के बाद फिर क्या होने वाले इसका भी जिक्र किया है, और ये भी बता दिया गया इस आयत मुबारक में कि इंसान गफलत में मत रहिए, दुनिया में जो तुम कर रही हो, मुख्तसर जिंदगी में जो कुछ तुम कर रहे हो, कल बरोज माशर अल्लाह की अदालत में तुम्हारा उस दुनिया की जिंदगी के आमाल पर तुम्हारा क्या होगा, फैसला होगा, तुम्हारे सामने में तुम्हारे आमाल को पेश कर दिया। मौत कितना तल्ख हकीकत है, रवायतों में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सफर पे जा रहे हैं, उनके मानने वाले साथ में जा रहे हैं, एक प्राणी कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी है, उनके मानने वाले ने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी आप दुआ कर दीजिए कि इस कब्रिस्तान से कोई मुर्दा जिंदा हो जाए, और जिंदा होने के बाद हम लोग पूछ लेंगे कि कब्र में क्या क्या सब हो रहा है, हम लोग पूछ लेते हैं उसे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्र के पास गए, पुराने कब्र के पास, और उसको इरशाद फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के नाम से, अल्लाह के इज़्न से जिंदा हो जाओ। रवायत में आता है कि कब्र पट गया, एक जवान तंदुरुस्त आदमी लंबे चौड़ा क्या हो गया, कब्र से उठ कर खड़ा हो गया। जब जितना खड़ा हो गया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस जवान से पूछा कि ये जवान ये बताओ कि मरने के वक्त कब्र, मरने के बाद कब्र में क्या क्या हो रहा है। तो जवान ने उस मुर्दे ने अर्ज की अल्लाह के नबी मेरे गुजरे हुए दुनिया से 500 साल हो चुके हैं, मेरी मौत का 500 साल हो चुके हैं, कब्र के मरने के बाद कब्र में क्या क्या हो रहा है तो बाद में पूछ ले, पहले ये पूछ ले कि मरने के वक्त में कितनी तकलीफ हो रही है कि 500 साल गुजर चुके हैं तब भी मरने के बाद जो हमको झटका लग चुका है अभी भी हमारे दिल दिमाग में बसा ये हुआ। मुसलमानों, मौत का सामना तो हर इंसान को करना ही पड़ेगा, मौत का झटका तो हर इंसान को लगना ही पड़ेगा। हदीस पाक में आता है कि जब इंसान करीब मौत हो जाए, मौत के करीब हो जाए, उसको इतना शदीद प्यास लगता है, इतना प्यास लगता है कि अगर पूरी समंदर का पानी भी पिला दिया जाए तब भी क्या उसका प्यास बुझने वाला नहीं। और उसी वक्त में शैतान जो इंसान का अजली दुश्मन है, माल का दुश्मन नहीं, जान का दुश्मन नहीं, ईमान का दुश्मन, वही क्या कर रहा है, उस प्यास के आलम में, उस आखिरी घड़ी में उसको पानी का कटोरा दिखाता है कि इंसान ईमान वाले तुम अल्लाह के वहदानियत से इनकार करो, हुजूर की रिसालत से इनकार कर दो, तुमको पानी पिलाएंगे। यही इम्तिहान की घड़ी होती है। इसी के बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इन्नमल एतबार बिल खवातिम, कि इंसान का एतबार खातिमे पर हो। इसलिए उलमा ने लिखा है कि जब इंसान करीब मौत हो जाए तो अगल बगल में जो बैठे रहे तो उसको क्या करना चाहिए, कलिमा शरीफ की तलकीन करना चाहिए ताकि शैतान उसको बकाए नहीं और उसके जबान पर कलिमा जारी हो जाए। जैसे कलिमा जारी होगा शैतान वहां से भाग जाता है और ईमान पर खातिमा नसीब हो ही जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह जल्ल शानहु ने क्या इरशाद फरमाया, कुल ए महबूब अपने उम्मत से, अपने मानने वालों से, ईमान वालों से कह दीजिए, क्या कह दीजिए, इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरून मिन्हु फइन्नहु मुलाकिकुम, कि जिस मौत से तुम लोग भागना चाहते हो, जिस मौत से तुम लोग दूर रहना चाहते हो, जिस मौत से तुम लोग नफरत करना चाहते हो, क्या होगा, फइन्नहु मुलाकिकुम, वो तुम लोगों से मुलाकात करके रहेगा।
ऐसे वक्त आने वाला है हर इंसान के सामने, चाहे पूरी दुनिया के डॉक्टरों को चक्कर लगाए, पूरी दुनिया का डॉक्टर जमा हो जाए, जब मौत की घड़ी आएगी तो मौत से इंसान को नहीं एक सानिया आगे कर सकता है, नहीं पीछे कर सकता है, मौत का क्या होगा, अपने वक्त पर उसको जाकर चक्कर नहीं पड़ेगा। और फिर ये नहीं कि इंसान दुनिया से रुसत हो गए, मर गया तो सिलसिला खत्म हो गया, नहीं, अब नए सिलसिला शुरू होने वाला है, और उस सिलसिले का दारोमदार इसी जिंदगी पर है। ये मुख्तसर जिंदगी 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल की जिंदगी है, उस हमेशा के मरने के बाद जो जिंदगी आने वाली है उसका दारोमदार इसी जिंदगी पर है, उस जिंदगी का कामयाबी और नाकामी का दारोमदार इसी जिंदगी पर है, कब्र की कामयाबी और कमरानी की जिंदगी इसी जिंदगी पर है। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर आपने और हमने, अल्लाह हर मुसलमान को तौफीक अता फरमाए, ये 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल की जिंदगी जो है, अगर हम लोगों ने नमाज में गुजारा, कुरान की तलावत में गुजारा, दुरूद पढ़ने में गुजारा, वालिदैन की खिदमत में गुजारा, गरीबों की मदद में गुजारा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हुक्म के मुताबिक अगर हमारी 60-70 साल की जिंदगी गुजर गई तो क्या होगा? वही कब्र जो आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है, मरने के बाद सबसे पहले इंसान कहाँ जाएगा? कब्र में जाएगा। वही कब्र क्या होगा? एक मोमिन के लिए, एक ईमान वाले के लिए, एक नमाजी के लिए, एक वालिदैन की खिदमत करने वाले के लिए, एक गरीबों की मदद करने वाले के क्या बनेगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल कब्र रौज़तु मिन रियाज़िल जन्नत, कि यही कब्र क्या बनेगा? एक मोमिन के लिए जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा बन करके लाया। वही अंधेरी की कोठड़ी, वही कीड़े मकोड़ों की जगह, वही घबराने वाले मकाम जिसमें कोई इंसान उतरने के लिए तैयार ही नहीं, तसव्वुर करने के लिए कोई मुसलमान तैयार ही नहीं। हुज़ूर फरमाते कि वो कब्र क्या बनेगा? एक ईमान वाले के लिए, एक नेक अमल करने वाले के लिए, एक दिल में हुज़ूर से मोहब्बत करने वाले के लिए क्या बनेगा? रौज़तु मिन रियाज़िल जन्नत, जन्नत के बागीचे में से बागीचा बन करके लाए। यहां से जिल्दत जन्नत का सिलसिला शुरू हुई क्या है? और यहां तक रवायत में आता है कि उस कब्र को उसके लिए इतना कुशादा कर दिया जाएगा, इतना कुशादा कर दिया जाएगा, जहां तक उस मर्दिया का नजर काम करता होगा वहां तक उसको क्या होगा? कब्र को कुशादा कर दिया जाएगा, और जन्नत की तरफ से खिड़की खोल दी जाएगी, जन्नत की तरफ से ठंडी हवा आएगी, खुशबूदार हवा आएगी, और उस मुर्दे को कहा जाएगा नम कर नौ मत लो रोज, सो जाओ दुल्हन की पहले रात के सोने की तरह आराम से सो जाओ, कोई घबराना नहीं, कोई कब्र का अंधेरा नहीं, कोई कीड़े मकोड़े नहीं, बल्कि क्या कब्र होगा? जन्नत के बागीचों में इस बागीचा बंद करके आए। अगर यही जिंदगी, ये 60-70 साल की जिंदगी जो आप और हम गुजार रहे हैं, नमाज से दूर हो करके, मस्जिद से दूर हो करके, गरीबों की मदद से दूर हो करके, हुजूर की सीरत से दूर हो करके बेनमाजी में जिंदगी गुजर रही है, महीना भर हो रहा है एक नमाज पढ़ने के लिए तैयार है नहीं, सूद कर कानी में जिंदगी गुजर रही है। आजकल तो माशाल्लाह हमारे मालूमात के मुताबिक यहाँ जो है ना सूद बहुत जोरों पर है, और सूद कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि सूद इतना बड़ा गुनाह है कि जैसे कोई इंसान खाना काबा में अपनी माँ के साथ बदकारी कर रहा हो, इतना बड़ा गुनाह वो नहीं जितना का सूद बड़ा गुनाह है। लेकिन मुसलमान का दुनिया का हवस चढ़ चुका है, न हलाल का तमीज है, न हराम का तमीज है, न कब्र का फिक्र है, न मैदान माशर की गर्मी का फिक्र है,
न मैदान है माशर तो उसको कोई भी करे कि वो एहसास है। अल्लाह के रसूल निशात फरमाया अक्सरु जिक्र हाजिम लजात अल मौत। हुजूर फरमाते हैं कि अपने दिल दिमाग में मौत को बसा करके रखो, मौत का तस्करा करो, मौत को याद करो, इसलिए कि जब दिल दिमाग में मौत का तस्करा होगा, मौत याद होगा, कब्र याद होगा, मैदान माशर की गर्मी याद होगी, तो क्या होगा, आप गुनाहों से दूर हो जाएंगे, मस्जिद से करीब हो जाएंगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के आकाम से के मुताबिक आपकी जिंदगी गुजरती है जाएगी। लेकिन आजकल का माहौल तो माशाल्लाह इतना हमारा दिल और दिमाग इतना गफलत हो चुका है कि कब्रिस्तान में जनाजा हो रहा है, जनाजा लिया जा रहा है, मुर्दा को कब्र में उतारा जा रहा है, कोई मोबाइल में लगा हुआ है, कोई गपशप में लगा हुआ है, कोई हंसी मजाक में लगा हुआ है, कोई सियासत के गुफ्तगू कर रहा है, कोई दुनियादारी के गुफ्तगू कर रहा है, उस कब्र के अंधेरे का, उस कब्र की तन्हाई का मुसलमान के दिल में कोई खौफ नहीं, कोई खशियत नहीं। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कब्र के सिलसिले में, हुजूर फरमाते हैं रायतुल मनाजिरा वल कब्र अफज़ल मिन्हू। हुजूर फरमाते हैं कि मैंने बहुत सारे मनाजिर देखे, जन्नत को भी देखे, जन्नत के बाग बहार भी देखे, जहन्नम को भी देखे, जहन्नम के अज़ाब को भी देखा है, लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि तमाम मनाजिर से सबसे घबराने वाला मकाम कौन सा है, कब्र के पहले रात जो है ना, ये तमाम घबराने वाले मनाजिर से सबसे घबराने मंजर है, उस कब्र में सबको जाना ही पड़ेगा। तो मुसलमानों अगर कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, कब्र के अजाब से बचना चाहते हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करना चाहते हो, दुनिया व आखिरत की कामयाबी चाहते हो, आज मुसलमानों को पूरी दुनिया में जायजा लीजिए। अभी तो हमारे मुफ्ती साहब ने मुख्तसर तौर पर आपके सामने जिक्र कर लिया, लेकिन मुसलमान के अंदर कोई तब्दीली नहीं, कोई चेंजिंग नहीं, रोज बरोज शरीयत से दूर होते जा रहे हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम से दूर होते जा रहे हैं, और दुनिया में तो जिल्लत और रुसवाई तो हो ही रही है, अगर इसे पर दुनिया से रुसती हो गई तो याद रखे इसी ज्यादा परेशानी, इसी ज्यादा जिल्लत और रुसवाई मरने के बाद शुरू हो जाएगी। तो अल्लाह जल्ला शानो इरशाद फरमाया कुल ए महबूब अपने उम्मत से कह दीजिए कि इन्नल मौत अल्लज़ी जिस मौत से तुम लोग भागना चाहते हो فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ये मौत तुम लोगों से मुलाकात करके रहेगा। उसके बाद क्या होगा सुम्मा فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ सुम्मा تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ फिर तुम लोगों को क्या कर दिया जाएगा अल्लाह की अदालत में पेश कर दिया जाएगा। अल्लाह की अदालत होगी, किसी दुनिया किसी नेता की अदालत नहीं होगी, अल्लाह की अदालत होगी, तुम्हारी 60 साल 70 साल की जिंदगी के जरिए जरे का हिसाब देना पड़ेगा, जरिए जरे का हिसाब देना पड़ेगा। वमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन शरन यरा। ये इंसान गफलत में मत रहिए, ऐसे वक्त आने वाला है कि अल्लाह की अदालत होगी, तुमको क्या होगा जरिए जरिए का हिसाब देना ही पड़ेगा। हदीस पाक में आता है हुजूर फरमाते हैं कि कल बरोज माशर हर इंसान को हर ईमान वाले को अल्लाह की अदालत में पेश कर दिया जाएगा, लेकिन क्या होगा ला यज़ालु कदमय अब्दी हत्ता युसालु अन अरबईन। हुजूर फरमाते हैं कि हर इंसान को हर ईमान वालों को अल्लाह की अदालत में पेश कर दिया जाएगा जब तक उसे चार सवाल नहीं पूछे जाएंगे और चार सवाल का जवाब नहीं देगा तब तक उसको हिलने जुलने नहीं दिया जाएगा। चार सवाल उससे होंगे और चार सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा,
चार सवाल क्या होंगे? सबसे पहले क्या पूछा जाएगा? अन उम्री ही बीमा अपना, उम्र के बारे में पूछा जाएगा कि दुनिया में तुमको 60 साल की जिंदगी दी हुई थी, 70 साल की जिंदगी दी हुए थे, 40 साल की जिंदगी तुमको मिली थी, ये 40 साल 60 साल 70 साल जिंदगी गुजारा कहाँ? नमाज में गुजारा है, तिलावत में गुजारा है, नेक आमाल में गुजारा है कि पार्टी पोटिशन में तुम्हारी जिंदगी गुजरी हुई, दूसरी को परेशान करने में तुम्हारी जिंदगी गुजरी हुई है, दूसरी को दबाने में तुम्हारी जिंदगी गुजरी हुई है, बदकारी में तुम्हारी जिंदगी गुजरी हुई है, आयश वाशरत में तुम्हारी जिंदगी गुजरी हुई है। हर इंसान अपना जायजा ले सकता है कि हमारी जिंदगी कहाँ गुजर रही, कैसे गुजर रहे, हर इंसान अपना जायजा ले सकता है। तो सबसे पहले उसके क्या होगा, उसकी उम्र के बारे में पूछा जाएगा। फिर क्या पूछा जाएगा? अन शबाब ही, जवानी के बारे में पूछा जाएगा कि तुमको जवानी जो दी थी, ताकत जो दिया था, ये जवानी कहाँ पर गुजारा है? मोबाइल चलाने में गुजारा है, इधर उधर जाकने में गुजारा है, दूसरे को परेशान करने में गुजारा है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते में मेहनत करते हुए, इस्लाम की खिदमत करते हुए तुम्हारी जवानी गुजरी है? और तीसरा सवाल क्या होगा? अन माल ही, माल के बारे में पूछा जाएगा कि दुनिया में जो तुम मंजिला बनाया हुआ था, ये पैसा लाया कहां से था? हलाल से लाया था कि हराम से लाया था? दूसरे का हक मार करके लाया था, दुमंजला बना चुके थे, सूद करके कमाए, कमा करके दुमंजला बनाए हुए थे, या अपने मेहनत पसीना बह करके तुमने क्या कर लेते, माल कमा करके लाया था, उसको अपने माल का जवाब देना ये पड़े। और ये भी उससे पूछा जाएगा कि माल जो खर्च किया, खर्च कहां पर किया है? अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है, गरीब गुरबा में खर्च किया है, यतीमों में खर्च किया है, कि किस में खर्च किया? पार्टी पोटेशन में खर्च किया, आयश वाशरत में खर्च किया? हर इंसान को माल लाने में भी उसको उसे पूछा जाएगा, खर्च करने में भी उसे पूछा जाएगा। और फिर क्या पूछा जाएगा? आन इल्म ही, इल्म के बारे में पूछा जाएगा। तो हम लोग स्टेज वाले हैं ना, हम लोगों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, काश हम लोग अपनी जिम्मेदारी के एहसास किए होते कि हम लोग स्टेज वाले उलमा कितने बड़े जिम्मेदार है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया। सुभान अल्लाह, क्या मुकाम दिया अल्लाह के रसूल ने कि उलमा को क्या बनाया? अपना वारिस बनाया, किसी मालदार का वारिस नहीं बनाया, किसी नेता का वारिस नहीं बनाया, किसी जमींदार का वारिस नहीं बनाया, बल्कि किसका वारिस बनाया? अंबिया अलैहिस्सलाम का वारिस कौन बने? उलमा की जमात बनी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई मामूली जिम्मेदारी है? अंबिया का काम क्या है और अंबिया का मकाम कौन सा है? अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदों में से सबसे ज्यादा करीब, अल्लाह से करीब वाले, करीब करने करने करीब बंदे कौन है? अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलाम। और उसके वारिस कौन है? उलमा है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर यही उलमा जो अल्लाह के रसूल ने जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को अगर अपनाएंगे तो क्या होगा? तमाम मखलूकात अल्लाह के अंबिया के बाद सबसे बेहतरीन मखलूक कौन होगी? यही उलमा हो। तो क्या पूछा जाएगा? इल्म के बारे में पूछा जाएगा कि तुमको इल्म दिए हुए थे, ये इल्म खर्च कहां पर किया है? पैसे कमाने में खर्च किया है, नाम और शोहरत में खर्च किया है, दूसरे को परेशान करने में खर्च किया है कि दीन की खिदमत करते हुए, लोगों को हलाल और हराम बताते हुए, लोगों को कुरान हदीस की तालीम देते हुए तुमने जिन इल्म खर्च किया है, कल बरोज माशर इल्म के बारे में पूछा जाएगा। तो मुसलमान वक्त काफी हो चुका है, जनाब मोहसिन साहब के वालिदैन खुश नसीब है कि
मरने के बाद मरना तो सभी को है, मरने के बाद क्या हुआ, कफन भी मिला, गुस्ल भी मिला, जनाजा भी मिला, और फिर उन इसाले सवाब के लिए उनके बच्चों ने इतना इसाले सवाब की मिलाद के पाक महफिल भी रख दिया है। नहीं मालूम आप और हमको कफन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जनाजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी जो तो 4 साल पहले खुरना जो गुजरा था, कितने बड़े बड़े लोग, पैसे वाले, नाम वाले, शोहरत वाले, दुनिया से रुसत हो गए, मर गए, इसको जनाजा भी नहीं मिल सका, उसको कब्र भी नहीं मिल सका, उसको गुस्ल भी नहीं मिल सका। इसलिए हदीस पाक में आता है कि जो मुसलमान जिसको मरने के बाद गुस्ल मिले, कफन मिले, सुन्नत के मुताबिक उसको दफन किया जाए और फिर ऐसे महफिल नसीब हो जाए, वो मुसलमान क्या है, खुश नसीब है। अल्लाह जल शान हो इस महफिल पाक के सदके उर्तफेल में मोहसिन साहब के वालिदैन मरहूम हैं, जो दुनिया से रुसत हो चुके हैं, अल्लाह अपने फजल व करम से मरहूम इनको करवट कड़वा जदत नसीब फरमाए, मरहूम इनके सगेरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमाए, और जब आपका और हमारा आखिरी वक्त आए, अल्लाह हर मुसलमान को ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। अल्लाह जल शान ये चंद दिनों की जिंदगी आपको भी और हराम को भी कुरान हदीस के मुताबिक, हुजूर की सीरत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अलाल मौत सकरात, आगाह हो जाओ मौत के लिए सख्तियां हैं, इसलिए उस सख्ती से बचने के लिए क्या करना होगा, आज अल्लाह के बारगाह में तौबा कर लीजिए, अपने गुनाहों पर नादिम हो जाइए, और आज के बाद हर मुसलमान अपना इस्लाह कर ले, मस्जिद में 5 वक्त नमाज के पाबंदी इख्तियार करे, अपने हुजूर की सीरत के मुताबिक अपने ज़िंदगी को बनाए, तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज दुनिया की परेशानी भी दूर हो जाएगी, दुनिया में भी खैर और बरकत नसीब होगा, दुनिया की ज़िंदगी में भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा नसीब हो जाएंगे, और जब दुनिया से रुझत हो जाएंगे तब भी इंशाअल्लाह हर मंजिल पर अल्लाह के रसूल की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात रहेगी, अल्लाह का करम रहेगा, मंजिल पर कामयाबी और कामरानी नसीब होगी। अल्लाह जल शान इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अन अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब सलातो सलाम दीजिए। बहुत सरफा Thank you.
Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah,